गांधी जी ने ये पहले देखा था कि भारत स्वतंत्र होगा, उसके बाद समाज कैसे चलेगा, किस आदत में चलेगा, उस पर बहुत कुछ निर्भर है। नहीं तो कोई कानून चल ही नहीं सकता। और इसलिए उन्होंने पहले से साधन शुचिता का आग्रह रखा। तब हमने उसको देखा नहीं देखा, बात अलग है, हो गई गई सो गई, अब तो हम सुधार सकते हैं। ऐसी कई बातें करने की आवश्यकता है। आज भी गांधी जी भारत के भाग्य पथ पर दीप स्तंभ बनकर खड़े, उनका प्रकाश अविरत है। हम अपने मन के अंधेरे को बीच में न लाए तो अबाधित है। उस पर चलने का साहस जुटाकर उसी ढंग से चलना, इसलिए गांधी जी क्या थे उसको समझना। और जैसा मैंने कहा कि आज मैं घूमता हूं तो मुझे ऐसा दिखता है कि परिस्थिति निराशा की नहीं है, अभी हुआ नहीं है, यह बात बिल्कुल सही है, और विपरीत दृश्य भी है। लेकिन अब ऐसे होता है ना, टाइट्रेशन चलता है केमिस्ट्री में, तो एक विशिष्ट प्रपोर्शन होते तक रंग नहीं बदलता, थोड़ा बदलता है, फिर पहले जैसा हो जाता है। निराश भी हो सकता है कि कब होगा कब होगा, नहीं होगा, ऐसे लग सकता है, फिर नहीं भाई, पर्याप्त प्रमाण होने दो, एक बार सारा रंग सदा के लिए बदल जाएगा। और पर्याप्त प्रमाण होने के लिए बूंद बूंद डालने का प्रयास सर्वत्र हो रहा है, सबके द्वारा हो रहा है, बहुत से लोगों के द्वारा हो रहा है, खासकर नई पीढ़ी के द्वारा समझकर हो रहा है, ये मैं देखता हूं। तो मुझे एक विश्वास मन में पैदा होता है कि आज नहीं तो 20 साल के बाद, लेकिन खड़े होकर हम 2 अक्टूबर को गांधी जी को ये कह सकेंगे कि बापू आप चले गए थे, अब आप इस देश में वापस आकर शांति के साथ अपने आश्रम चलाते हुए रह सकते हैं। ऐसा देश हमने खड़ा किया।